नमस्कार, मैं हूँ एस के मालवी और आप देख रहे हैं S24। S24 में आप सभी का बहुत स्वागत है। आइए चलते हैं खबरों की ओर। एस के मालवीय की खास रिपोर्ट S24 के लिए। विश्वकर्मा जी, क्या प्रमुख समस्याएं हैं कि कॉलोनी में एक हाहाकार जब ये मचा हुआ है? 2010 में जब इनने प्लाट काटा था, इनसे ये बोले थे कि सारा कुछ हम करके देंगे, सीवर लाइन, इलेक्ट्रिक, रोड और सारा कुछ करके। आज तक कुछ भी नहीं किए हैं। सीवर लाइन घर के बगल में सबका बह रहा है। इसके अलावा घास ये इतनी पैदा कर रहे हैं, इसे बेच के ये भी नहीं कि ये बेच के चलो यहीं लगा दें, वो भी नहीं कर रहे हैं, है ना। तो बहुत दिक्कत है। और साल में 4 बार लाइट कट जाती है, जो कि बिजली का बिल बकाया दिखाया जाता है। बिजली का बिल जो बकाया है वो हम हमारे घर का देंगे, ना कि पूरी कॉलोनी का देंगे। ये तो कॉलोनी के जो डेवलपर है उनका जिम्मेदारी होती है। ये सब चीज़ें हर बार ऐसा होता है। लोगों को सांप काट रहे हैं, सांप वो जानवर यहाँ आ रहे हैं। कल 2-3 दिन पहले अभी तेंदुए के यहाँ पर मूवमेंट हुआ है। तो ये सब बिल्डर को न दिख रहा है। उनके एक यहाँ पर असिस्टेंट रहते थे जो यहाँ पे देखभाल करते, तो वो भी अब चले गए, उनको भी बुला लिए। तो कोई यहाँ पर माई बाप नहीं है कोई देखने वाला। दर्शकों, आपको बताते चलें कि लगातार ये कॉलोनी में कई प्रकार की समस्याएं हैं। कॉलोनी के रहवासी कई प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं। मैं हमारे कैमरामैन से बोलूंगा कि इस चैम्बर को दिखाएं। आप देख सक रहे हैं कि किस प्रकार से ये चैम्बर पूरी तरह से खुला है। अभी अस्थायी रूप से इसे ढाका गया है और चादरों के द्वारा ढका गया है। कॉलोनी के रहवासियों के द्वारा बताया गया कि इसमें कई बार गाय भी गिर जाती हैं, कई बार लोग भी गिर जाते हैं, यहाँ के रहवासी जो हैं। आइए हम कुछ लोगों से और चर्चा करेंगे और जानेंगे कि प्रमुख समस्याएं कौन सी हैं, किन समस्याओं से जूझ रहे हैं। जी, आपका परिचय। जी, मैं अजय मिश्रा, नमस्कार। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि लगभग 10 साल हो गए इस चिनार कॉलोनी को कटे हुए। बिल्डर ने 1-1 लाख रुपए हम लगभग सभी जितने भी रहवासी हैं, प्लाट होल्डर या फ्लैट होल्डर्स, उन सबसे लिए पैसे 1-1 लाख रुपए। लगभग यहाँ पे 1200 प्लॉट की कॉलोनी है ये। तो अगर मोटा मोटी देखें तो 8-8.5 करोड़ रुपए उनके पास हम लोगों के पड़े हुए हैं, जो उन्होंने इस नाम से लिए कि हम यहाँ का डेवलपमेंट कराएंगे। डेवलपमेंट में प्रमुखता पे उन्होंने रखा था कि हम आपको परमानेंट बिजली देंगे, परमानेंट पानी देंगे, सीवर देंगे, इसके अलावा और बाउंड्री वॉल, ये तो अलग की चीज़ें हैं। लेकिन आज लगभग 10 साल हो गए इन्होंने एक अस्थायी व्यावसायिक टेम्परेरी कनेक्शन ले रखा था, जो बिल्डर और ये बिल्डिंग को डेवलप करने या रोड को डेवलप करने के लिए, उसी अस्थायी कनेक्शन से ये अभी तक हम लोगों के घर में सब मीटर लगा के एक पर्ची के थ्रू पैसा वसूलते हैं। जो बिल अगर देखें, हम पुराना बिल दिखा दें, वो 46 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से होता है। अगर आप यहीं पास में देखें, ये बोरदा गांव सामने लगता है, अगर आप दिखा सके तो, इस गांव में जो लोग रहते हैं इनकी जो बिल है वो 100 यूनिट का 100 रुपये आता है अटल ज्योति योजना के थ्रू पर। तो हम लोग यहाँ रहने के बावजूद भी 100 यूनिट का बिल हम लोग यहाँ पे 3500 रुपये तक देते हैं। अभी इस समय 1300 रुपये हम लोग दे रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने अपने हाथ में लिया व्यावसायिक कनेक्शन का, यहाँ पर दे रहे हैं। यहाँ पर रहने वाले, जब कोई आदमी इतनी दूर फ्लैट या मकान ले रहा है, तो जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ा पैसे वाला तो है नहीं जो इतनी दूर आके मकान ले रहा है। यहाँ जो रह रहे हैं भी, उन्होंने अपनी जीवन की पूंजी लगा दी है यहाँ पर रह करके। उसके बावजूद भी, पूंजी लगाने के बाद भी, हर महीने उनके ऊपर इतना बड़ा भार पड़ रहा है कि वो 100-100 यूनिट का बिल 2500-2500 रुपये देते हैं। ये तो ठीक है कि बिल भी दे रहे हैं, बिल देने के बावजूद भी जो इन्होंने इनके खुद के कई कनेक्शंस हैं उसके थ्रू इन्होंने क्या किया, उसकी जो आउटस्टैंडिंग बन गई वो 8-9 लाख रुपए की है। वो बिल्डर जब तक का अस्थाई कनेक्शन दे रखा है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि जमा कराएं। उन्होंने अभी तक ना तो कोई बिल जमा करा, और आए दिन हर महीने 15-15 दिन लाइट कटती है। मिश्रा जी, बात करें तो यहाँ कितने रहवासी रह रहे हैं अभी इन मकानों में? अगर अभी आपको बात बताएं तो लगभग 1200 प्लॉट की कॉलोनी है यहाँ पे, और 200 घर बने हुए हैं, जिसमें 200 रहवासी थे, जिसमें काफ़ी तो पलायन कर चुके हैं। करंट में अगर आप बात करें तो लगभग 100 रहवासी यहाँ पर हैं, 100 घर जो रह रहे हैं। 100 घर की बात करें तो एक घर में एवरेज अगर 3-4 आदमी बने, तो आप ये मान के चलिए 300-400 लोग तो यहाँ पर रहते हैं, जिनको इन मूलभूत सुविधाओं की, एटलीस्ट बिजली और पानी, ये तो हमारा अधिकार है ना, बिजली और पानी तो हमको चाहिए चाहिए, जीवन जीने के लिए पानी तो चाहिए ही। लेकिन अब पिछले 4 दिन से यहाँ लाइट नहीं थी। यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ सांप वगैरह भी घूमते हैं, और इससे पहले एक व्यक्ति को सांप के द्वारा डसा भी गया है। ये हमारे अंधेरे लाइट काट दी गई थी अंधेरे में, हमारी कॉलोनी के रहवासी हैं अभिलाष पिल्लई जी, ये मंदिर के पास बैठे हुए थे, वहाँ पर रसल वाइपर ने उसको काटा है, जिसकी वजह से वो बंसल हॉस्पिटल में एडमिट हुए। लगभग 6 लाख रुपए जो है उनकी इलाज में खर्चा हुआ, और वो जीवन मरते मरते बचे हैं, अभी आए हैं लगभग।
उसके अलावा दो लोगों ने यहाँ से पलायन किया था कि लाइट कट गई, तो एक हमारे DDCN जी हैं जिनकी बच्ची का ऑनलाइन एग्ज़ाम चल रहा था, तो लाइट कट गई तो वो बच्ची को एग्ज़ाम दिलाने के लिए अपने घर छतरपुर लेकर जा रहे थे। रास्ते में सिर्फ लाइट ना रहने की वजह से उन्होंने यहाँ से पलायन किया और उसी रात में जिस दिन वो अपने घर जा रहे थे एक्सीडेंट हुआ और उनकी पत्नी की ऑन स्पॉट डेथ हुई। उसके अलावा ओमपाल जी हमारे यहाँ रहते थे, लाइट कट गई थी वो अपने घर जा रहे थे और ये बंसल का जो काम है रोड पे गड्ढा था तो वो लाइट कटने की वजह से अपने घर गए। वहाँ रास्ते में दूसरा घर जो इन्होंने टेम्परेरी बना रखा है वहाँ जा रहे थे, रास्ते में उनकी डेथ हुई। तो लगभग दो तो डेथ हो चुकी है और ये सांप काटने और बिच्छू काटने के केसेस तो आए दिन होते रहते हैं। यहाँ पर जो घास इतना बड़ा हुआ है तो इसके पीछे कोई खास कारण है? ये घास इतना बड़ा हुआ क्यों है, इसे क्यों नहीं हटाया जाता? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है मूल चंदानी और इनके स्टाफ की मिलीभगत। ये इन सभी जितना भी प्लॉट ये दिख रहे हैं ये सब बिके हुए प्लॉट है। ये क्या करते हैं कि इन प्लॉटों पे घास को उगवाते हैं और फिर इसका ठेका देते हैं। 50-50 हज़ार रुपये ठेका देकर इन्होंने ये घास बढ़वाई है और 50-50 हज़ार रुपये ठेका देके ये घासों को कटवाते हैं यहाँ पर। अब ये घास एकदम जंगल की तरह हो जाती है, इसमें सांप बिच्छू हजार तरीके के जितने भी जहरीले जीव जंतु हैं इसी में पलते रहते हैं, तो ये इनका एक उगाही का धंधा है। रेरा के द्वारा भी प्रावधान है कि जो रहवासी यहाँ रह रहे हैं वो उसमें एक्शन ले सकते हैं, तो रेरा ने अभी तक क्या आपको? लगभग 3 महीने जून हो गया, जून में हम लोगों ने रेरा में केस फाइल किया था और रेरा की तरफ से भी ऐसा कोई एक्शन नहीं है ना, तो रेरा में सुनवाई भी बहुत ढीली है, वो तो कोर्ट का केसेस है और वैसे भी यहाँ के क्या सुनवाई है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। लगभग अब लोगों की 2-5-6 पेशियाँ भी हो चुकी हैं रेरा के अंदर, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा कोई मोटा हल तो नहीं निकल के आया अभी रेरा का। बिल्डर के द्वारा कोई आश्वासन दिया गया कि वो डेवलपमेंट के लिए आगे आ रहे हैं या किसी प्रकार का कोई भी कार्य यहाँ पे करने के लिए? बिल्डर तो खुद ही अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, लगभग जनवरी से देखें तो बिल्डर अवेलेबल ही नहीं है। बिल्डर आया था यहाँ पे, लोगों ने समस्याएं बताई, लोग थोड़ा गुस्सा हुए तो उसके बाद वो भाग गए, उसके बाद से आज तक बिल्डर यहाँ आए नहीं। बिल्डर की तरफ से 200 करोड़ का घोटाले में वो पहले भी मिसरोद के पास कोई प्रोजेक्ट है वहाँ पे वो अरेस्ट हुए हैं, 200+ करोड़ का घोटाला किया था उन्होंने, उनके ऊपर वो केस है। ये साथ में हमारी मल्टी के पास एक धनलक्ष्मी बैंक की नोटिस 201 करोड़ की और चिपक गई है। यहाँ पे उन्होंने ये जो प्लॉट दिखा रहे हैं इस पे आकाश नाम की बिल्डिंग बननी है। इस आकाश नाम की बिल्डिंग में करीबन काफ़ी फ्लैट्स हैं, इन फ्लैट्स को गिरवी रख के इन्होंने मॉर्गेज करके लोन उठा रखा है। यहाँ रहवासी रह रहे हैं, जो रहवासियों को उन्होंने प्लॉट और फ्लैट्स बेचे उसको भी गिरवी करके लोन उठा रखा है। वो पूरी नोटिस 201 करोड़ की यहाँ चिपकी हुई है। तो एक तो हम लोग इस समस्याओं से झेल रहे हैं, कल बैंक आके कह देगा कि ये प्लॉट तो मेरे पास या फ्लैट मेरे पास गिरवी रखा है, तो वो हमारी समस्या और एक जटिल समस्या है कि जीवन भर की पूंजी लगाने के बावजूद भी फिर हम कल निकाल दिए जाएंगे। तो दिनेश जी क्या समस्या है यहाँ पे, आप भी इस मल्टी में रहते हैं? जी हाँ, मैं मल्टी में रहता हूँ, मेरा ये नीचे का मैसेज के नाम से मेरा फ्लैट है। कितने समय से रह रहे हैं? लगभग 3 साल हो गए मुझको। 3 साल में यहाँ पे कोई परिवर्तन या किसी प्रकार की कोई भी बिल्डर के द्वारा कोई भी सहयोग किया जा रहा है क्या? परिवर्तन यही हुआ है साहब, ये देख लीजिए आप रोड पे गोबर पड़ा हुआ है यदि आप दिखा सकें तो, और दूसरा जो घास फूस आपको आदरणीय मिश्रा जी ने आपको बता रही है, और हमारी मल्टी में जो है ऊपर छत पर फ्लोरिंग नहीं है तो उसमें पूरा पानी बैठता है, तो आप देख लीजिए पूरे फ्लैट में पूरा पानी बैठ रहा है। और मेरा तो चूंकि नीचे का है तो अभी तक नहीं है, लेकिन वो ऊपर जो वकील साहब रहते थे आफ्ताब भाई वो तो बेचारे पलायन कर गए क्योंकि सीपेज पूरा पानी उनके यहाँ आ रहा है, 412 उनका नंबर है तो वो तो चले ही गए। बाकी वो पानी भरा है वो मेरे मल्टी के ऊपर जो पाइप लगा है यदि आप दिखा सकें तो उसमें से अभी भी पानी गिर रहा है, आप देख सकते हैं सामने जाके। निश्चित रूप से यहाँ के रहवासी किस प्रकार से अपनी पीड़ा को बता रहे हैं, और भी कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे कि महिलाओं को भी किस प्रकार की समस्याओं का सामना यहाँ पे करना पड़ रहा है। जी आपका परिचय? मेरा नाम संजना रोतेला है, मैं यहाँ चिनार बिल्डर में पिछले 4 साल से रह रही हूँ, लेकिन जब हमने ये प्लॉट लिया था ये मकान बनाया था बिल्डर ने हमसे कहा था हम सब चीज़ की व्यवस्था करेंगे, अभी पिछले 3 महीने से हर महीने बिजली कट जाती है, बच्चे पढ़ रहे हैं कैसे पढ़ेंगे, घर में बीमार है, मेरा खुद का ब्रेन ट्यूमर ऑपरेट हुआ है 2018 में, मेरे को गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, हम कैसे रहेंगे, ना पानी की व्यवस्था है, ना लाइट नहीं रहेगा तो पानी नहीं आएगा, सीपेज का इतना प्रॉब्लम है, पूरा सीपेज निकाल के उन्होंने नदी पर उतार दिया है, कहीं पे भी सीपेज की कोई व्यवस्था नहीं है, पानी को लेके प्रॉब्लम है, पानी में या जब बिजली होगी तो पानी चलेगा, लाइट नहीं,
सांप कीड़े को अलग डर, तेंदुआ का अलग डर, तो ऐसे समय पर हम कहाँ जाएँ। इतनी मुश्किल से प्राइवेट जॉब करते हैं हम लोग, इतनी मुश्किल से घर बनाया, बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी मेरी बेटी अभी 10th में है, उसका बोर्ड एग्ज़ाम है, इसकी तैयारी करनी है, तो कैसे करेंगे बच्चे पढ़ाए, और जब लाइट ही नहीं होगी तो क्या करेंगे। इस प्रकार से आपने बताया यहाँ का सीवेज नदी में मिलाया हुआ है। जी, सीवेज यहाँ का पूरा नदी में निकाला, उस तरफ की कॉलोनी का पूरा सीवेज बिल्डर ने नदी पे निकाला हुआ है, और इधर का पूरा ये चौक है, पूरी लाइन, पूरी चौक जब भर जाता है तो पूरा उस तरफ पानी आ जाता है। एक तरफ तो शिवराज मामा बोलते हैं कि हमारी बहनें कभी अंधेरे में नहीं रहेंगी, लेकिन इस दूसरी तरफ देखिए हम कितने दिन से अंधेरे में और कितनी लड़ाई लड़ेंगे, कैसे हमारा समाधान होगा, इस चीज़ के लिए हम बहुत परेशान हैं और हम लगे हैं सुबह से करने में, जो भी होगा मतलब अच्छा नहीं है, इस कॉलोनी में सारा चीज़ें गड़बड़े। निश्चित रूप से यहाँ के रहवासियों की पीड़ा को आपने देखा, यहाँ के रहवासी अपनी पीड़ा को किन शब्दों में बयां कर रहे हैं, और एक अलग रोष यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर वो चक्का जाम करते हैं तो पुलिस उन्हें खदेड़ती है, अगर वो किसी भी प्रकार की कोई भी कार्रवाई की आवाज़ उठाते हैं तो पुलिस उन्हें खदेड़ती है, प्रशासनिक अधिकारी उन्हें खदेड़ते हैं। परंतु बिल्डरों के ऊपर किस प्रकार की कार्रवाई करना चाहिए, बिल्डरों के ऊपर किस प्रकार की जो जिम्मेदारी उनकी बनती है, अगर वो नहीं पूरी कर रहे हैं तो किस प्रकार की कार्रवाई सरकार और प्रशासन को करना चाहिए। ये एक गैर जिम्मेदाराना बात है कि यहाँ पे बिल्डर इतने लंबे समय से यहाँ के लोगों को जो सुविधाएं मिलना चाहिए, जो उन्होंने अपने ब्रोशर में दिखाया कि हम कवर्ड कैंपस देंगे, हम तमाम प्रकार की सुविधाएं देंगे, अगर वो नहीं दे पा रहे हैं तो प्रशासन ने उनके ऊपर किस प्रकार से कार्रवाई करी। नमस्कार, मैं हूँ एस के मालवीय, आप देख रहे हैं 24। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे एक नई खबर के साथ कल के, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।